तो अगर बोलूँ बैक टू आ चुके भाई एक और जीडी वाई का तगड़ा वाला गिफ्ट लेके। तो पिछले एपिसोड में आप लोग को भाई याद होगा हमने चुराई थी जी वैगन। तो आज के एपिसोड में मैं इस गाड़ी को भाई करने वाला हूँ मॉडिफाई, लेकिन उस मॉडिफिकेशन के लिए मुझे मेरे पास पैसा नहीं है। मैं बिल्कुल भिखारी हो चुका हूँ भाई। मैं पिछले एपिसोड में ही भिखारी था और इस एपिसोड में भी भिखारी रहूंगा। ये देख लो भाई, ये है वो गाड़ी जो हमने पिछले एपिसोड में चुराई थी। और भाई बुलेट प्रूफ गाड़ी है, बहुत खतरनाक गाड़ी है। कोई भी अगर भाई दूर से गोली मारेगा ना हमें असर पड़ेगा ना गाड़ी पे कुछ नहीं होगा भाई। लिटरली ये गाड़ी बिल्कुल इनसेन है भाई, कुछ असर नहीं पड़ना इस गाड़ी के ऊपर। व्हाइट कलर में भाई बिल्कुल प्यारी लगती है ये गाड़ी। और अभी फिलहाल मेरे पास आप कैश देख सकते हो भाई, कितना कम कैश है। मैं इस कैश में कुछ भी नहीं कर सकता भाई, लिटरली कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा थोड़ी बहुत चोरी करने के लिए। अब मैं फ्रैंकलिन से पूछूंगा कि मुझे कहाँ चोरी करनी है भाई, वो एकदम गुंडा आदमी है भाई, वो बता भी देगा भाई वो कहाँ चोरी करवाएगा वो हमसे। तो अभी मैं लगाता हूँ फ्रैंकलिन को कॉल और उससे पूछता हूँ भाई कि कहाँ चोरी करनी है और कैसे करना है भाई अपना सिस्टम जो भी है। तो लगाते हैं भाई उसको कॉल, मैं मिलता हूँ आपसे उसको कॉल लगाने के बाद। तो फ्रैंकलिन ने हमें भाई बता दिया है हमें कहाँ चोरी करनी है, और अभी उसने कुछ लोकेशन मुझे अपने मेरे फोन पे सेंड करी है। वो देखते हैं भाई यहाँ कहाँ है वो, इस एरिया के बीच में वो जो ये आपको एरिया दिख रहा है चौराहे टाइप का, वो बैंक आई थिंक वो हमसे बैंक में चोरी करवा रहे हैं। हाँ तो हम इस एरिया के बीच में वहाँ चोरी करेंगे, इसने कुछ बताया एरिया वहाँ बहुत तकड़ा भाई, वहाँ सिक्योरिटी है बहुत ज्यादा, तो हमें वहाँ ही चोरी करनी पड़ेगी जैसा भी होता है। एंड चलो अब फटाफट से बैठते हैं भाई गाड़ी के अंदर, और मैं इस गाड़ी से नहीं जाने वाला भाई। अगर किसी ने मुझे देख लिया इस गाड़ी के अंदर बैठते हो भाई, वो मेरे को पकड़ लेगा भाई, पकड़ के क्या मारेगा। तो गाइस तुम्हारा भाई जाने वाला भाई इस निंजा H2R से, बाइक से, सुपर बाइक। और भाई इसको चलाने में क्या मजा आएगा ना, अरे मैंने क्यों गोली मार दी भाई इसको, अरे इतनी खतरनाक बाइक है। बाय द वे आप मेरे पास गन्स देख सकते हो, कितनी सारी गन्स है इसमें भाई। कोई सामने आएगा ना चांस नहीं है उसका बचने का भाई, भाई वो बचेगा नहीं लिटरली। और चलो अब भगाई करते हैं अपनी भाई निंजा H2R स्टार्ट अपनी भाई। ये देखना कैसे पटाखे मार रही है भाई, क्या खतरनाक बाइक ले। पर्सनली भाई मेरे को ये बाइक बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है। और भाई देखो क्या भाग रही है भाई, अगर मैं किसी चीज से टूका भाई लिटरली मेरा सांप बन जाएगा भाई, इतना बुरा गिराऊंगा भाई मैं। और भाई बचने का भी नहीं है शायद, ऐसा चांस है इसका, इतनी गंदी भाई एक्सीडेंट होता है ना इससे। तो मैंने लगा दिया है उस लोकेशन के ऊपर मार्क, अगर वो जैसी लोकेशन आएगी तो मैं वहाँ उतरूंगा भाई, थोड़ा सेटअप वेटअप करूंगा जो मेरे को पहले करेगा। बाय द वे गाइस मैं गन्स लेने नहीं जाने वाला हूँ, मैंने आपको दिखा दिया भाई पहले ही मैंने गन्स ले लिया, कितनी तकड़ी तकड़ी गन्स ले लिया। और भाई क्या सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे मेरे को तो नहीं पता, आपको क्या लगता है गाइस मेरे को कमेंट में मत बताना, बताना मतलब बताना। तो अब वहाँ पहुँचते हैं, चलो यहाँ इस कट मार दो भाई, इधर तगड़ा वाला कट मार दिया। और ये देखो भाई क्या सिनेमैटिक शॉट, क्या बड़े। सॉरी 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 सॉरी, ओके। तो अब दोबारा आ चुके अपनी धंधों के साथ भाई, क्या पागल भाई, पागल वो था भाई ड्राइवर वहाँ का, उसका शायद शायद मेरी गलती थी ना, मैं सिनेमैटिक शॉट्स दिखा रहा था वहाँ, अपनी कुछ ज्यादा ही प्रोनेस दिखा रहा था, तो वहाँ अपना प्रोनेस बन गया भाई। सॉरी गाइस, उसके लिए सॉरी चाहते हैं हम। तो फिलहाल थोड़ी दूर रह गया है अपना वो लोकेशन जहाँ हमें जाना है, तो बस पहुंच ही गए। ये देखो आप मार्क में मैप के अंदर देख सकते हो, आने ही वाला है ये, यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है। ओके इधर आ चुके हैं। और बैंक किधर है भाई, इधर इनसे मैं यहाँ से इनसे किन से पूछना है भाई, इधर कौन है, इधर किन से पूछूं, बैंक किधर है, और इन भैया से पूछते हैं, हेलो भैया बैंक कहाँ है बताओगे क्या। अरे ऐंठ रहा है भाई तेरी भैंस की, छोड़ो भाई छोड़ो इसको, ऐंठ रहा है साला। तो इन इन भाई साहब से पूछ रहे हैं जो आ रहे हैं मस्त आके, भाई बैंक किधर है, बैंक किधर है। अच्छा सामने, तो गाइस इन्होंने बताया बैंक ये वाला है, ये जो आप मेरे सामने बैंक देख रहे हो यही है भाई वो बैंक जिसके अंदर मैं चोरी डकैती वकैती मतलब जो भी करना है भाई इसके अंदर हमें करना है। तो फटाफट से भाई मैं अपनी निंजा H2R उठाता हूँ और लगा देता हूँ भाई पार्किंग पे इस बैंक के बराबर में, मतलब ये जो हाँ फूड पार्क वगैरह कहते हैं भाई इस जगह को, यहाँ मैं पार्क करता हूँ। लिटरली मुझे पैसों से मतलब है भाई, मुझे अपनी जी वैगन अपग्रेड करवानी है। तो फटाफट से चलते हैं इसके अंदर, चलो भाई चलते हैं इस बैंक के अंदर और चलते करते हैं थोड़ी चोरी। ये भाई साहब आप भाई साहब सीधा चले जाइए, आपकी औकात में इसके अंदर जाना नहीं है। तो हम चलते हैं गाइस इसके अंदर, मैं बिल्कुल भाई नॉर्मल आदमी की तरह इसके अंदर जाऊंगा और यहाँ थोड़े बहुत पैसे वैसे निकालने की थोड़ी एक्टिंग कर दूंगा। मेरे पै अरे लाइफ क्यों मार रहा है भाई, बैंक बैलेंस में कुछ है नहीं है। ये देखो ये पता नहीं क्या क्या रहा, $45 माइनस, पता नहीं भाई क्या क्या रहा है। और मेरे पे बैंक बैलेंस में कुछ है नहीं भाई, $600 पड़े भाई, लिटरली फकीर हो चुका हूँ। और ये यहाँ लोग आए हुए हैं अपना काम करवाने भाई जो भी है।
तो भाई चलो चलते हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह यहाँ एक्ट करूंगा, ताकि भाई किसी को मेरे ऊपर शक ना जाए और वो बाहर से ही मुझे नहीं निकाल दे यहाँ से। तो मैं भाई बिल्कुल नॉर्मल आदमी हूँ आप लोग की तरह, जैसे आप लोग अपना सामान मतलब काम करवाने आए हो यहाँ, मैं भी ऐसे ही करवाने आया हूँ भाई यहाँ से। भाई ये मेरी शक्ल देख के कैसे भाग रहा है भाई, ये क्यों जा रहा है मेरी शक्ल देख के ये लोग? यहाँ एक वर्कर बैठा है, हेलो भाई साहब कैसे हो आप सब? लड़ना चाह रहा है? लड़ना लड़ेगा, लड़ेगा मुझसे, लड़ेगा लड़ेगा, ये देखना भाई, इसका देखना देखना देखना, तेरी भैंस की ओ हो, टॉचिंग कर रहा है भाई, क्या फाइटर था क्या पिछले जाने? दूर हट जा, दूर हट जा, दूर हट जा, मार दूंगा मैं, मार दूंगा मैं, मार दूंगा, दूर हट जा। बस 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 बस, ये तो गाइस ये बैठा है, इनकी सबकी तीनों के तीनों वर्करों की फट चुकी है भाई लिटरली। तो मैं गोली गोली चला दूंगा भाई, मैं मार दूंगा आप इन तुम लोगों को लिटरली, सारा माल इधर निकाल दो, मुझे मेरे हाथ में दे दो भाई निकाल के। तो चलो गाइस चलते हैं अंदर, इन लोगों की फट चुकी, मैं लिटरली मार दूंगा भाई इन लोगों को। पुलिस अभी पुलिस नहीं आएगी, मैं मेरी गन के इसमें सप्रेसर वगैरह लगा हुआ है, इनके कंप्यूटर में तोड़ दूंगा। तो इनके कंप्यूटर भी तोड़ चुके हैं भाई, मेरे गन के सप्रेसर लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस वुलिस आने का चांस नहीं है, कोई बिल्कुल आवाज नहीं हो रही भाई। तो ये है दरवाजा, इसके अंदर नहीं, कहाँ जाना है? ओके अरे हाँ ये है, तो ये इसको तोड़ो भाई, इसका जो कंप्यूटर है ये पता नहीं जो भी है। तो चलो गाइस चलते हैं अंदर, हा, हम जा रहे हैं बैंक के अंदर चोरी करने। और इधर कुछ है क्या? कैमरा वैमरा लगा हुआ क्या? कैमरा वैमरा लगा हो तो भाई मैं, हाँ ये देखो वो लगा हुआ कैमरा, एक सेकेंड मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको तोड़ता हूँ। जूम करो अपनी स्नाइपर से, अरे लगी नहीं क्या? हाँ अब टूटा, अब टूटा टूटा। तो गाइस हमें इसके अंदर चोरी करनी है, और ये इसका पासवर्ड डालने वाला हैक, इसको हमें हैक करना पड़ेगा। और हैकिंग मुझसे आती नहीं भाई, लेस्टर को यहाँ लाते तो वो हैकिंग कर देता भाई। तो अब एक ही चांस है, हमें इसको फोड़ना पड़ेगा भाई, इसको फोड़ते हैं, एक उससे तो हुआ नहीं भाई, इसको तीन चार यहाँ बम लगाते हैं तब फोड़ते हैं भाई इसको, इसके ऊपर और इसके ऊपर, एक दो तीन इसके ऊपर लगा दिए भाई। और ये देखो टूट चुका है भाई यहाँ से, अरे भाई 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 भाई, भाई। एक सेकंड मैं एक और लगा देता हूँ भाई, ताकि मुझे और कोई दिक्कत ना हो भाई, मैं आराम से टूट जाए। ये देखो भाई, देखो किड्स कैसे निकल के आया भाई, ये देखो भाई मजा आ गया भाई, अब लिटरली अब होने वाले। ओ भाई गाइस आप लोगों ने कुछ देखा क्या? देखा भाई आप लोगों ने, ये देखो भाई कितना ज्यादा कैश है भाई यहाँ पर भाई लिटरली। अगर किसी के पास असली में इतना कैश आ जाए ना भाई, रियली भाई वो सही में अंबानी का बाप हो जाएगा भाई लिटरली यार। ओके गाइस मैंने यहाँ से जितना हो सकता था उतना कैश उठा लिया, ये देखना भाई 6 करोड़, करोड़ कितने भाई ये पता नहीं भाई, मैं सारा कैश तो यहाँ से उठा नहीं पाया हूँ, अभी भी बहुत सारा कैश इधर पड़ा है, लेकिन मुझसे जितना उठा गया मैंने उतना उठा लिया। तो चलिए गाइस चलते हैं यहाँ से, अब किधर था भाई इसका गेट? अच्छा उधर है भाई, ये देखो कितना बड़ा बैग लगा लिया तुम्हारे भाई ने, मैं बैग भी लाया था साथ में, आई थिंक मैं वीडियो में लाना भूल गया, तो मैं बैग लाया था, उन्होंने सारा कैश बैग के अंदर रख लिया। तो भाई चलते हैं भाई फटाफट, ये बहुत ज्यादा वजन है भाई इसके अंदर, ये देख रहे हो भाई क्या अपने कैरेक्टर से बड़ा इसका बैग है भाई लिटरली यार। तो चलो भलो चलते चलते, अरे ये भाई दोबारा आ गए यहाँ से, यहाँ पता नहीं गया कैसे आ गए भाई दोबारा। चलो भाई जल्दी फटाफट चलते हैं यहाँ से, तो पूरा भाई ये हॉल पूरा इसका खाली पड़ा है, हमने खाली कर दिया था भाई। तो कुछ लोग हमारी शक्ल देख के भाई यहाँ से पता नहीं क्यों भाग गए यार, पर वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मेरे पीछे 2 स्टार की पुलिस कैसे लग चुकी है? अरे भाई यार ये नहीं होना था भाई, पता नहीं ये, अरे मेरी गन में तो यार, अरे उड़ जा भाई मेरे, उड़ जा, तुझे क्या हो गया? गाइस मैं ये नहीं समझ पाया भाई मेरे पीछे पुलिस की स्टार, पुलिस कैसे लगी भाई? भाई साहब मेरे तो भाई पूरी गन पे सप्रेसर और सब कुछ लगा हुआ था भाई, पता नहीं कैसे हुआ भाई, शायद किसी सिक्योरिटी वर्कर ने वहां कॉल कर दिया कि अब मुझे भाई ये पुलिस के स्टार भाई जैसे भी जैसे हो सकते वैसे कम करने हैं भाई, अपने अपनी पीछे से कॉप सटानी है भाई पुलिस की, नहीं तो बहुत ज्यादा भाई प्रॉब्लम हो सकती है भाई यहाँ। तो मेरे पास बहुत ज्यादा कैश पड़ा है भाई लिटरली, मुझे गंदी वाली जेल हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है भाई लिटरली, पूरे लॉस सैंटोस की बराबर जितना पैसा हो सकता है ना भाई, ये उतना पैसा है भाई, ये बहुत ज्यादा मनी हो जाता है भाई। भाई मेरे को लगभग 5 से 10 मिनट हो गई भाई यहाँ ऐसे भागते भागते, है पुलिस मेरा पीछा छोड़ने को ही नहीं पड़ रही है भाई, छोड़ दे मेरा पीछा, मैं क्या करेगी भाई तू मेरा? अरे वैसे करेगी तो बहुत कुछ भाई, पूरे लॉस सैंटोस के बराबर जितना पैसा पड़ा है हमारे पास भाई, बहुत ज्यादा पैसा है भाई, यहाँ से मुझे जैसे तैसे होगा भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, अगर मैं इनके हाथ लगता हूँ भाई मेरी सिर्फ मौत के अलावा और कुछ नहीं है भाई लिटरली, यहाँ बहुत गंदा सीन चल रहा है, और मैंने क्या भगा रखी है भाई 150 की स्पीड पर भाई भाई भगा रखी है, और मुझे बिल्कुल भी रुकना नहीं है भाई, ऐसे ही भागते रहना है, और ये
ये देखो भाई, देखते देखते 3 स्टार की पुलिस लग चुकी है भाई, क्या गलत सीन हो रहा है यहाँ से। अभी भाई डायरेक्ट भगानी पड़ेगी भाई हमें। अरे भाई मुझे अभी तक बहुत ज्यादा देर हो गई भाई, ये बाइक भगाते भगाते लिटरली ये मेरा पुलिस पुलिस मेरा पीछा छोड़ने का तैयार ही नहीं है भाई, क्या खतरनाक पुलिस है यार ये। और ओ भाई अभी गाइस देखा आप लोगों ने क्या खतरनाक एक्सीडेंट होता भाई, इतनी तेज भगाड़ा की है, कम से कम 150 की स्पीड। ये देखो अब 150 क्रॉस कर रहे भाई, लिटरली एक तो बाइक है यार और इनकी गोली मेरे को एकदम ऐसे कनेक्ट हो जा रही है जैसे भाई। तो अभी लगभग और बाइक भगा के मैं आ चुका हूँ भाई इस एरिया में, ये पता नहीं कौन सा एरिया भाई, लगभग जंगलियों के एरिया में आ चुका हूँ भाई मैं, थोड़ा जंगली टाइप का एरिया है ये भी, थोड़ा रेगिस्तानी एरिया है ये भी भाई। तो अभी यहाँ से हमें और भगाने, ओ ओ ओ भाई अपनी पुलिस के स्टार ब्लिंक कर रहा है, देखो भाई देखो गाइस देखो देखो देखो, ओ भाई ये देखो भाई धूम 3 वाला सीन। इस सीन के लिए गाइस लाइक बनता है भाई यार, ठोक दो लाइक और सब्सक्राइब बटन भी दबा दो भाई। मैंने सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला, हाँ स्टार्टिंग में नहीं बोला था, हाँ तो अब बोल दिया गाइस, अब आप लोग सब्सक्राइब करोगे, मुझे नहीं पता भाई सब्सक्राइब का बटन में क्लिक हो जाना चाहिए। और भाई अपनी पुलिस भी हट चुकी है एक स्टैंड के साथ, मजा आ गया भाई ये स्टैंड के साथ। और अब हमें चलना पड़ेगा, हाँ अपने घर चलते गाइस, अब चलो चलते हैं। तो गाइस अभी तुम्हारा भाई आ चुका है घर, और अब चलते हैं भाई अपनी इस जी वैगन को अपग्रेड करवाने के लिए। तो मैं बैठता हूँ जल्दी से इस कार के अंदर और चलता हूँ भाई उस लोकेशन के ऊपर जहाँ अपनी ये अपग्रेड होगी भाई। तो चला, अरे भाई बैठ जाना, कहाँ है इसका गेट, ये है तो यार बैठ जाना भाई, क्यों दिक्कत कर रहा है, अपनी गाड़ी है यार, मतलब अपनी गाड़ी हो गई है, अपनी थी नहीं पहले, अब हो चुकी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेके चलते हैं उस लोकेशन को, इसको ऊपर पहले यहाँ से निकालते हैं, ठूक वूक ना जाए भाई, अरे ठूक गई। तो अब मैं लेके चलता हूँ इस कार को भाई उस लोकेशन के पास जहाँ मैं गाड़ी मॉडिफाई होगी भाई। मैं भाई यहाँ निकाल तो लाया हूँ भाई एकदम से, अब भाई यार शक भाई, भाई आने जाने लोग मेरे को देख रहे हैं यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना भाई। तो चलो यार, तो अब अभी अपने को भाई किसी चीज़ का डर नहीं है भाई, मैं डायरेक्ट अभी चलाऊंगा सलमान खान बन के, इस गाड़ी को चलाऊंगा भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये गाड़ी टूटे कुछ भी हो इस गाड़ी के साथ, मैं जा रहा हूँ भाई इसको कर मैं, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मैं जा रहा हूँ उस गाड़ी का मॉडिफिकेशन करवाने तगड़ा वाला। तो भाई मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास कैश बहुत है इस टाइम भाई, पापा हो रखा हूँ भाई मैं इस टाइम, बहुत तगड़ा हो रखा हूँ इस टाइम। तो चलो चलते हैं भाई, इस बार मैं मिलता हूँ आपसे उस लोकेशन पे पहुँच के। 2,000 years later तो भाई आ चुके हैं उस लोकेशन के ऊपर हम, तो भाई यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर लेंगे हम, इस गैराज के अंदर पार्क करेंगे और देखते हैं भाई कैसी कैसी मॉडिफिकेशन हमें करवानी है वहाँ, इसके अंदर जितनी भी वो मॉडिफिकेशन वगैरह करवानी है मैं वो करवाता हूँ भाई, मैं मिलता हूँ आपसे इसको करवाने के बाद। Much later ओके। तो भाई इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन होना था वो हो चुका है भाई, और अब देखो क्या खतरनाक लग रही है भाई, और देखते ही देखते रात भी हो चुकी है, तो भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक गाड़ी लग रही है क्या, देखो यार कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं लग रही भाई। ओके चलो चलते हैं इसको लेकर अब अपने घर, खतरनाक वाली गाड़ी क्या देखो, अरे भाई 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 ये देखना भाई क्या गाड़ी आ रही है सामने, अपनी टट्टी गाड़ियां लेके अपनी, और यहाँ जा रही है इतनी खतरनाक गाड़ी, क्या अजीब सी लग रही है भाई ये है, चिन्नी रोडों के ऊपर ये इतनी खतरनाक गाड़ी है। बाकी तुम्हारा भाई सलमान खान की तरह गाड़ी चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपने घर पहुंचते हैं अब डायरेक्ट। Much later तो गाइस कमबैक हो गया हमारा इस मोहल्ले के अंदर, अपनी गली के अंदर, अपने एरिया की गली के अंदर। तो अभी हम जैसे पिछली बार हमने पिछले एपिसोड में वहाँ खड़ी करी थी एकदम से चुपके से ला के, दोबारा हम वैसी यहाँ वैसी खड़ी कर देंगे बस, हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई नहीं देख रहा भाई। लेकिन अगर वहाँ से किसी ने खिड़की के अंदर झांक लिया तो भाई वो हैरान हो जाएगी कि ये इतनी खतरनाक गाड़ी हमारे उसके अंदर कैसे खड़ी है। तो फिलहाल इसको खड़ी रहने देते हैं, लेकिन एक मिनट यार ये सही नहीं खड़ी यार ये, इसको एक सेकंड इसके अंदर बैठ गया इस, थोड़ा सा इसको आगे खिसका देते हैं ताकि ये इसके दीवार से लगे ना भाई, वैसे तो लगेगी नहीं लेकिन फिर भी कर देते हैं इसका एक बार इंटीरियर, देखो क्या खतरनाक है भाई साहब। तो इसको आप खड़ी रहने देते हैं, अब ये बिल्कुल परफेक्ट खड़ी है। तो फिलहाल आज का एपिसोड करते हैं भाई यहीं पे खत्म, वीडियो बताना आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।